और इस समय की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज से पानी में एक शव मिला और सुबह से हो रही बारिश की वजह से यहां पर पानी भर गया। उस दौरान एक छोटा टेम्पो जो है वो इस पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि मरने वाला इसी गाड़ी का ड्राइवर था। जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा और जब गाड़ी पानी में डूबने लगी तो वो निकल नहीं सका। मरने वाले का नाम कुंदन सिंह बताया जा रहा है। तो गाड़ी डूबने की वजह से बताया जा रहा है कि इस शख्स की मौत हुई है। बड़ी खबर ये दिल्ली से। दरअसल ये मिंटो रोड ब्रिज जहां पर आप देख रहे हैं पानी वहां ज्यादा भरा हुआ है। एक बस जो है वो आधी से ज्यादा डूबी नजर आ रही है। हालांकि इस बस में भी 2 से 4 लोग थे जिन्हें वक्त रहते निकाल लिया गया, लेकिन उसके बाद अब जो जानकारी मिल रही है कि एक छोटा टेम्पो दरअसल इस पानी में डूब गया। ये बताया जा रहा है कि मरने वाले इसी गाड़ी का ड्राइवर था। मरने वाला जानकारी के मुताबिक ड्राइवर को पानी की गहराई का अंदाजा ही नहीं लगा और जब गाड़ी पानी में डूबने लगी तो वो निकल नहीं सका। मरने वाले का नाम कुंदन सिंह बताया जा रहा है। हालांकि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक बस आधी से ज्यादा डूबी नजर आ रही है तो एक छोटा टेम्पो जो होगा वो पूरा डूब गया होगा। ऊपर ट्रैक पर ड्यूटी कर रहे थे तो हमने देखा कि नीचे पानी में डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, तो हम तुरंत नीचे आए। नीचे आके पानी में तैर के डेड बॉडी को बाहर निकाला। कहाँ से निकाला? बस से निकाला? नहीं, बस के आगे थी। बस के आगे थी। अच्छा। हमने ऊपर से दिखाई दिया पुलिया से, तो नीचे देखा कि डेड बॉडी दिखाई दे रही है। हम तुरंत नीचे आए, कपड़ा उतारे और तुरंत तैर के बाहर निकाला। जावेद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जावेद, ये क्या अंदाजा वो ड्राइवर नहीं लगा पाया कि पानी इतना ज्यादा होगा? क्योंकि बस तो हम सुबह से देख रहे हैं कि वहां पर मौजूद है, डूबी हुई दिख रही है, तो बस को देखकर भी वो नहीं चेता? देखिए, बिल्कुल यही लग रहा है पहली नज़र में। अभी हम उसी मौके पर मौजूद हैं। अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं, देखिए वो टेम्पो आपको नज़र आ रहा है, वो आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है और उससे पहले बस यहाँ पर आपको देखिए नज़र आएगी। ये जो टेम्पो जा रहा था जो नई दिल्ली से सड़क कनॉट प्लेस की तरफ जाती है, उसका रुख देख कर यही लग रहा है कि वो उस तरफ जा रहा था और अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि इसकी गहराई कितनी हो सकती है और दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि किस तरीके से हर साल की तस्वीर मिंटो ब्रिज की जो सड़क है वहां पर नजर आती है और इस साल भी जब तेज बारिश हुई है आज और उसके बाद यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तरह से डूब गई है। अब बस आपको नजर आएगी, वो जो छोटा टेम्पो है वो आपको नजर आ रहा है, तो दर्दनाक मौत हुई है। सवाल यह है कि जिम्मेदारी इस पर किसकी होगी? तो ये कई ऐसे सवाल है। क्या इसकी तैयारियां पहले नहीं की गई थी? क्योंकि हर साल दर साल हम लगातार इसी तरह की तस्वीरें यहाँ मिंटो ब्रिज पर देखते हैं और यहाँ इस बार सबसे बड़ा हादसा हुआ है कि एक शख्स की डूबने से यहाँ पर मौत हो गई है। तो ये मिंटो ब्रिज के हालात अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से हमारी संस्थाएं काम करती हैं और यहाँ लगातार अभी भी पानी भरा हुआ है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर। अब देखना होगा कि किस तरह से जो सरकार है उसका बयान इस पूरे मामले पर आता है। जी बिल्कुल। लेकिन जावेद, एक बड़ा सवाल इसके साथ जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली सरकार एमसीडीए कर क्या रहे थे? पहली मानसून की ये बारिश और उसके बाद ये हाल, एक शख्स की मौत तक हो जा रही है, राजधानी की हालत है ये। बिल्कुल, ये सवाल निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े होंगे कि जो संस्थाएं हैं जिन पर मानसून से पहले नालों की साफ सफाई का जिम्मा होता है वो अलग अलग बटी हुई हैं, चाहे वो एमसीडी की नाले हों या दिल्ली सरकार के नाले हों, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। हर साल की तरह ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है और आज जिस तरह का हादसा हुआ है वो वाकई में दर्दनाक है कि एक शख्स की मौत डूबने से यहाँ पर हुई है। तो निश्चित रूप से सवाल जरूर उठेंगे। यहाँ अब से थोड़ी देर बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे। जहाँ अभी हम खड़े हैं ये इलाका उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आता है, सड़क पीडब्ल्यूडी की ये है और जो मिंटो ब्रिज के उस तरफ का इलाका है वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद एनडीएमसी के तहत आता है। तो ये सवाल ज़रूर उठेंगे कि क्या वक्त रहते हम इस पर यहाँ तैयारी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मानसून, हर मानसून में इसी तरह की बारिश होती है और इसी तरह की सालों से मिंटो ब्रिज पर तस्वीर नजर आती है और अब इस बार इंतहा हो गई कि एक शख्स की मौत डूबने से हो गई, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जी
एक बार फिर से जो चश्मदीद है उसकी आपको एक बयान सुनाते हैं कि आखिरकार उसने उस वक्त क्या देखा। हम ऊपर ट्रैक पर ड्यूटी कर रहे थे तो हमने देखा कि नीचे पानी में डेड बॉडी दिखाई दे रही थी, तो हम तुरंत नीचे आए, नीचे आके पानी में तैर के डेड बॉडी को बाहर निकाला। कहाँ से निकाला? बस से निकाला? नहीं, बस के आगे थी, बस के आगे थी। अच्छा, हमने ऊपर से दिखाई दिया पुलिया से, तो नीचे देखा कि डेड बॉडी दिखाई दे रही है। हम तुरंत नीचे आए, कपड़ा उतारे और तुरंत तैर के बाहर निकाला। सर, हम लोग ड्राइवर हैं, एक साथ काम करते हैं। 8 बजे करीब में मैं आया, फिर मैं मालिक का कोलाया ब्रेक जाके देखूंगा गाड़ी डूब गई अपनी, आपके पास काम करते हैं। तो फिर मैं आके देखा 3-4 ड्राइवर हम आए थे, तो उसको ढूंढा ढांडा तो मिले नहीं। जो बस वाला ड्राइवर था उन्होंने बताया यहाँ पे एक डेड बॉडी तैर रही है, जाके देखो। तो हम 2-3 ड्राइवर आए, तो एक टी शर्ट थे और उसकी खोपड़ी से पहचान करे, एक चप्पल थी उससे पहचान कर लिया, हाँ ड्राइवर हमारा ही है। जावेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद, यहाँ चश्मदीद बता रहे हैं कि हालात क्या, पहली बात वहाँ निकासी के कोई प्रबंध आप देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं, पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, बस फंस गई, बस में 3 से 4 लोग फंस गए, यहाँ एक व्यक्ति का शव मिल रहा है, निकासी का कोई प्रबंध हुआ है क्या? देखिए, जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ की स्थिति आपको दिखा देते हैं। पानी यहाँ पर भरा हुआ है और अभी एहतियातन हम देखेंगे तो ये सड़क जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से आती है, कनॉट प्लेस को जोड़ती है, यहाँ पर इसको बंद कर दिया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से एक बार कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह बैरिकेड यहाँ लगाए गए हैं यहाँ तस्वीरों में। फिलहाल यहाँ पर कोई इंतज़ाम नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो स्पीड, जिस स्पीड से पानी निकल सकता है वही उसी तरह से धीरे धीरे पानी कम ज़रूर हो रहा है। आमतौर पर यहाँ जिस तरह जलभराव होता है, पानी को निकालने के लिए पंप यहाँ लगाए जाते हैं, वो यहाँ पर अलग से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है अब जो ये खुद से ही पानी कम होगा, ये जितना वक्त इसमें लगेगा वो देखना होगा। फिलहाल पानी यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन पानी की जो गहराई है वो कम हो रही है पहले से। तो ये फिलहाल मौके पर तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर सफाई कर्मी कुछ ज़रूर पहुँचे हैं, जो सड़क पर पानी और जो गार यहाँ पर जमा थी उसको यहाँ से साफ किया जा रहा है। तो ये तस्वीर यहाँ पर मौके पर नज़र आ रही है। अर्पिता, बिल्कुल जावेद, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात यहाँ पर ये है कि ये सेंट्रल दिल्ली का एरिया है, कोई आउटर एरिया नहीं है ये, बावजूद उसके ये स्थिति है। कुछ ही दूरी पर पुलिस मुख्यालय है, यहाँ फिर भी स्थिति जावेद ये बनी हुई है। वहीं पर खड़े हैं जावेद हो जाता है, और कनॉट प्लेस जो दिल्ली की सबसे मशहूर मार्केट है, बड़ा इलाका है वहां पर, वो शुरू हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब इतने पॉश इलाकों में, इतने बड़े इलाकों में इस तरह के हालात हैं तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में हालात कैसे होंगे, ये आसानी से समझा जा सकता है। और अर्पिता, ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मिंटो ब्रिज पर ये हाल नज़र आ रहा हो, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता। यहाँ हम कई सालों से देख रहे हैं, जैसे ही तेज़ बारिश यहाँ पर होती है मिंटो ब्रिज का यही हाल नज़र आता है। और इस साल भी हमने देखा कि जिस तरह से आज बारिश हुई, सुबह 5:30 बजे से हैवी रेन शुरू हुई है, उसके बाद भी इसी तरह से यहाँ पर हालात नज़र आ रहे हैं। और सबसे दर्दनाक ये हुआ है कि इस लापरवाही और इस इंतज़ाम न किए जाने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। जावेद, जरा ये 2 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि वहाँ स्थिति देखिए, 2 से 3 घंटे मात्र ये बारिश बताई जा रही है जो हैवी तरीके से हुई है, ज़्यादा हुई है, और उसके बाद ये हाल है। बस जो है वो आधी से ज़्यादा आपको डूबी नज़र आ रही होगी, वहाँ पर कई वाहन जो हैं वो डूबे हुए से नज़र आ रहे हैं। तो 2 घंटे की बारिश में दिल्ली जो है वो बेहाल से दिख रही है, जो तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। ऐसे में तमाम दावे जो MCD की तरफ से किए गए, दिल्ली सरकार की तरफ से दिए गए, वो ज़मीन पर तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, ज़मीन पर तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। जावेद, यानी मानसून का पहली बारिश इसको कहेंगे जो इतनी तेज हुई है, और 2 घंटे की बारिश में यह स्थिति है, सारे दावों की पोल खुल गई। बिल्कुल, दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। 2 घंटे बारिश हुई है और उसके बाद हालात किस तरह से हैं
वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए अभी हम जब यहाँ पर खड़े थे तो पानी काफी ऊंचा था और अब पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, जो अब आपको साफ नजर आएगा जो वो छोटा टेम्पो नजर आ रहा है जिसका चालक जिसकी मौत हुई है डूबने से जो बताया जा रहा है, वहां पर अब उस पानी वहां पर अगर हम देखेंगे तो कम हो रहा है। बस खड़ी है वो डूबी हुई है, उस पर भी पानी कम हुआ है, तो पानी यहाँ से कम हो रहा है आप तस्वीरों में देखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पहले से इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। हर साल इसी तरह की जब बारिश को दर्शाया जाता है तेज बारिश को तो मिंटो ब्रिज को दिखाया जाता है कि मिंटो ब्रिज जब डूबेगा तब समझा जाएगा कि बारिश कितनी तेज है। तो ये एक तरह से प्रतीक बन गया है दिल्ली में बारिश का और उसके इंतजाम का कि किस तरीके से यहाँ पर इंतजाम नहीं किए जाते। पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है, तो ये आज तस्वीर जो सामने आई है। और सबसे दुख की बात यह है कि एक शख्स की मौत हुई है, इसकी जवाबदेही जरूर तय की जानी चाहिए कि आखिर कौन जिम्मेदार है, क्यों यहाँ पर पहले से तैयारी नहीं की गई थी, क्यों हर साल की तरह इसी तरह के हालात यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये सवाल है जो लगातार बने हुए हैं। जी लेकिन जावेद एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम सुबह से तस्वीरें देख रहे हैं और वहाँ जो बस जो अब आप डूबी नजर आ रही है वो जिस वक्त वहां पर फंसी थी उसके केवल पहिए उस वक्त डूबे दिख रहे थे, यानी धीरे धीरे बारिश हुई और पानी का स्तर बढ़ा है। ये ऑटो जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं जिसका बताया जा रहा है ड्राइवर जो है वो डूबकर मर गया, वहां वो क्या उसको भाप नहीं पाया कि बस जब आधी से ज्यादा डूबी हुई है तो वहां पर ऑटो की स्थिति क्या बनेगी? बिल्कुल ये सवाल ज़रूर है कि पहले से बस बताया जा रहा है फंसी हुई थी और हो सकता है कि उस टेम्पो चालक को लगा हो कि वो निकल जाएगा, लेकिन बदकिस्मत रहा ऑटो पानी के अंदर ही फंस गया, जैसा कि अभी तस्वीरों में भी नज़र आ रहा है। आप देखेंगे एक तरह से जो ब्रिज को उसने पार कर लिया था, जब भी हमने देखा जब यहाँ पानी था तो वो लगभग पूरा डूबा हुआ था, तो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाया होगा वो ड्राइवर और दर्दनाक उसकी मौत हो गई। यहाँ हमने देखा है कि यहाँ ये जो ब्रिज है एक तरह से अंडर पास की तरह है, गहराई बहुत ज़्यादा है यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे। और यहाँ जब ये ड्राइवर इस तरफ नई दिल्ली स्टेशन की तरफ से आगे कनॉट प्लेस की तरफ जा रहा होगा तो उसने कोशिश तो की आगे निकालने की। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे जो टेम्पो का रुख है वो ब्रिज के उस तरफ है और ब्रिज को पार कर चुका है। तो ये एक हादसा हुआ है। अब इसमें एक जो लापरवाही हुई है वो तो ये कि यहाँ इसको पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई, लेकिन जो ड्राइवर है वो संभवतः अंदाज़ा नहीं लगा पाया। यहाँ अगर आप तस्वीरों में देखेंगे कि इसकी गहराई कितनी है, कोशिश की निकलने की लेकिन बदकिस्मत रहा और यहाँ डूबने से उसकी मौत हो गई। तो ये रही हमारे साथ, वहीं दिल्ली वालों को बारिश के लंबे इंतजार तो उसका खत्म हुआ लेकिन चंद घंटों की बारिश ने पूरी दिल्ली को पानी पानी कर दिया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में पानी भरने की शिकायत सामने आ रही है। दिल्ली के मिंटो रोड ब्रिज पर भी चंद घंटों की बारिश से पानी भर गया है, जिसमें एक डीटीसी की बस भी डूब गई। इतना ही नहीं, कीर्ति नगर, वजीराबाद और दूसरे इलाकों से भी पानी भरने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा ITO, सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाकों में भी पानी भर गया है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए जैम जैसी स्थिति भी बन गई है। तो ये दिल्ली की तस्वीर है कुछ घंटे की बारिश के बाद। जरा आप स्थिति देखिए, अगर ऐसे में 2 से 3 दिन बारिश अगर दिल्ली में हो जाए तो अंदाजा आप लगा लीजिए कि वहां किस तरीके के हालात बन जाएंगे। अलग अलग इलाकों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिलहाल पानी ही पानी दिखने लग गया है दिल्ली में 2 घंटे की बारिश के बाद। वजीरपुर दिल्ली की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर पानी में डूबी हुई गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं मिंटो रोड पर जहां पर एक हादसा हुआ है सुबह जो खबर सामने आई, और बस देखिए आप यहां पर डूबी हुई आपको नजर आएगी। वहीं हर जगह की स्थिति दरअसल अब यही दिख रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपक हमारे साथ इसी बीच जुड़ चुके हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्या हालात हैं इस वक्त? देखिए मैं इस वक्त अर्पिता जहां पर हूं, ये ITO के पास का वो इलाका है जहां पर आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो आ रही है वो पूरी तरह से डूबी हुई गाड़ी है। देखिए किस तरह से गाड़ी चल रही है। और यहां पर जो अंदर एक अन्ना कॉलोनी आती है वहां पर ये बताया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 घर जो है वो नाले के पानी से बह गए हैं, क्योंकि सुबह जब बारिश हो रही थी तो उसके बाद ये देखिए सामने आप देख सकते हैं ये ITO।
और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। हालांकि इससे पहले भूमि पूजन के लिए उनको 2 तारीख सुझाई गई थी, 3 और या 5 आखिरी फैसला पीएमओ को करना था। और अब जो जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे, बड़ी खबर इस वक्त की है। हालांकि इससे पहले मंदिर की तरफ से ये जरूर उन तक आवेदन पहुंचाया गया था कि वो जल्द से जल्द अगर मुमकिन हो तो 3 तारीख या 5 तारीख में दोनों दिन सुझाए गए थे कि भूमि पूजन के लिए उपस्थित अगर हो तो ये अच्छा रहेगा। और इसके बाद अब जो खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे। तो भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पीएमओ की तरफ से बयान फिलहाल सामने आता हुआ दिख रहा है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। और जानकारी के साथ अजीत जुड़ चुके हैं। अजीत देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 तारीख को अयोध्या का प्रस्तावित दौरा, और जिस बात का इंतजार करोड़ों भक्तों को, राम भक्तों का था कि मंदिर कब बनेगा, कब भूमि पूजन होगा, तो अब ये तारीख मुकर्रर कर दी गई है 5 अगस्त को। चूंकि सावन का श्रावण मास का अंतिम दिन है 5 अगस्त को, तो श्रावण मास में ही भूमि पूजन किया जाएगा प्रधानमंत्री की तरफ से। उसके लिए बकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से भी मीटिंग ली गई, अधिकारियों से जानकारी ली गई कि आखिर क्या क्या और तैयारियां अयोध्या में की जा रही हैं और किस तरह से की जा रही हैं। और कल जो राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ ट्रस्ट है उसकी भी बैठक हुई, और उसके जो मेंबरान है, जो सदस्य, उनकी तरफ से कहा गया था 3 और 5 2 तारीख मुकर्रर की गई। लेकिन अभी जो इस वक्त की खबर है कि 5 तारीख पर पीएमओ ने मोहर लगा दी, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या जाएंगे और राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। तो अजीत, जिस तरीके से बता रहे हैं 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अजीत ये जानकारी पीएमओ की तरफ से ही आई है? देखिए, जो खबर है ये उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, और जो ट्रस्ट, जो तीर्थ निर्माण, राम जन्मभूमि निर्माण तीर्थ ट्रस्ट है, उसकी तरफ से आई। उनकी तरफ से कहा गया कि हमने 2 तारीखें मांगी थी, पीएमओ ने कहा था कि हमें तारीख बता दे, उसके बाद कार्यक्रम का फैसला लिया जाएगा। तो अब तीर्थ ट्रस्ट के मेम्बरों की तरफ से ये बात पुष्ट की गई है कि 5 अगस्त पर पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से मोहर लगाई गई है। अयोध्या में 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, और अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में पहले और दूसरे दोनों में वो अयोध्या नहीं गए थे, और कहा जा रहा था कि उनका पुण्य था, जब मंदिर बनेगा तभी वो जाएंगे। तो अब वो दिन भी आ गया है, प्रधानमंत्री पहली बार अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो जो जानकारी निकल कर आ रही है कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, और इस बीच 2 घंटे की बरसात के बाद दिल्ली की हर सड़क पानी से सराबोर हो गई है, और ये तस्वीरें कुछ उसी की गवाही दे रही हैं। वजीरपुर दिल्ली की तस्वीर, आईटीओ की तस्वीर, मिंटो रोड दिल्ली की तस्वीर, नोएडा और कीर्ति नगर की तस्वीरें हैं जहां पर पानी जो है वो भर चुका है, और निश्चित तौर पर लोगों की समस्याएं, उनकी दिक्कतें भी इसी के साथ बढ़ी हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईटीओ से इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, आप तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां पर अभी पानी कितना भरा दिख रहा है आपको, और उसकी निकासी के कोई प्रबंध भी दिख रहे हैं क्या? देखिए अर्पिता, जहाँ पर मैं हूँ आप ये देख सकते हैं, पूरा तालाब नदी जैसी यहाँ पर बह रही है, और इसमें कई सारे तार के मोटे बड़े बड़े बंडल भी यहाँ पर से दिखाई दिए थे। इलाके के लोग हैं, एक घर नहीं बल्कि कई घर यहाँ पर गिरे हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनका एक घर हमने देखा, आपका वीडियो आया था हमारे पास, वो पूरा घर गिर रहा है। कैसे बच पाए आप लोग उससे? हम निकल गए घर से, भागे थे तो बच गए, बाकी सब सामान तो घर के साथ ही हमारा तहस नहस हो गया। क्या क्या सामान बह गया उसमें? फ्रिज थे, टीवी थे, अलमारी थे, कूलर थे, पंखे थे, बाकी अलमारियों में जो सामान थे उसमें जेवर भी थे, पैसे भी थे, सभी कुछ थे। कैसे हुआ था, कितने बजे बारिश के पानी से? 8:15 बजे बारिश तेज हुई, और बारिश तेज होने की वजह से WHO ने पार्किंग खुदवा रखी है, उस पार्किंग में कटाव बन गया, कटाव बनने से पानी का बहाव एक तरफ हो गया, उसकी वजह से सारी जमीन हमारी बैठ गई और हमारे घर गिर गए। ये गुलाबी रंग का घर आपका ही वाला गिरा है? हाँ। तो परिवार में और लोग सकुशल हैं? हाँ, सब ठीक है। कितने लोग यहाँ पर बहे होंगे, कुछ अंदाजा आ पा रहा कि जो घर जो बहे? घर में तो हमारे 15 लोग रहते हैं। हाँ। और सारे ठीक है। और कितने घर यहाँ पर बहे हैं? 8 से 10 लोग घर गिरे हमारे किनारे के। इंतजाम कुछ हुआ है अभी तक? नहीं नहीं, अभी तक ना कोई आया, ना कोई इंतजाम हुआ, ना कुछ हुआ। जी दीपक, आप रहिए हमारे साथ। 2 घंटे की बरसात के बाद दिल्ली में हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। राजधानी के जाने माने हनुमान मंदिर के पास की सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, लोगों को करीब करीब आधा डूब कर इस पानी से गुजरना पड़ रहा है।
दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी दीपक, जो दावे और वादे किए जा रहे थे एमसीडी और दिल्ली सरकार की तरफ से, मॉनसून की ये पहली बारिश और पहली बारिश में ये हाल। बिल्कुल अर्पिता, देखिए हालात ये हैं कि आधा घंटा भी बारिश नहीं हुई लेकिन दिल्ली की जो सड़कें हैं लबालब भर गई हैं, और इस सड़क पर हम पिछले एक घंटे से खड़े हैं लेकिन निकासी का कोई इंतजाम यहां पर नहीं दिखाई देता। आपको जो वाहन है मजबूरन लोग निकल रहे हैं, हालांकि मैं दिखाऊंगा यहां से ठीक 500 मीटर की दूरी पर एम्बुलेंस खड़ी है, कैट्स की गाड़ियां खड़ी है, पुलिस की गाड़ियां खड़ी है। उन्होंने बैरिकेड किया हुआ रास्ते को ताकि कोई उधर से मूवमेंट इस सड़क की तरफ ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो दफ्तर है, ये बड़े बड़े जितने भी दफ्तर हैं तो ये सभी उस पानी में डूब चुके हैं। और यहाँ पर वाटर लॉगिंग का हाल ये है कि तार के बड़े बड़े बंडल बह रहे थे, ये गाड़ियाँ यहाँ पर लोग ऐसे धक्का लेकर जा रहे हैं क्योंकि गाड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। यहाँ पर जेसीबी मशीन देखिए, आधी जेसीबी मशीन डूबी हुई है, और जो सरकारी दफ्तर हैं बड़े बड़े वो सभी यहाँ पर जलमग्न हुए हैं, लेकिन अभी भी पंप या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे इस पानी को निकाला जाए, जबकि कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर WHO से लेकर कई बिल्डिंगों में हो रहा है, बावजूद उसके निकासी का कोई इंतजाम नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है और जहां तहां कई गाड़ियां खराब हुई है। मेरे इस साइड हालांकि जो बिल्कुल दीपक रही आप हमारे साथ, जाम है और